तो है यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम खेल रहे ग्रेनी थ्री डोर एस्केप। तो शुरू करते हैं। ये लॉक पिक से हम सबसे पहले इस छेद में घुसाते हैं और फिर इस गेट को खोलते हैं। नीचे हमेशा वेपन की मिलती है, हर तरह की कीज मिलती रहती है। की कीज पट्टा मिल चुका है हमको गाइस। इस पट्टे को हम ग्रेनी ग्रैंडपा के सर पे मारेंगे। और एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया कि आज ग्रैनी और ग्रैंडपा घर से बाहर गए हैं कहीं, तो इसलिए आप और हम फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हैं उनके घर में और एस्केप कर सकते हैं। तो ये कोकोनट को सबसे पहले उठाते हैं। तो कोकोनट के अंदर कुछ ना कुछ तो रहता है, नारियल पानी रह जाता, थोड़ी प्यास बुझ जाती केले की, या टोपरा भी खा सकते हैं हम। चलो ऊपर जाते हैं, सबसे पहले नारियल को काटेंगे। यहाँ पे ग्रैनी की गुड़िया पड़ी है, तो सबसे पहले ग्रैनी की डोल को लेते हैं और सिलेंड्रिना को भगाते हैं। इस डोल को लूँ तो ग्रैनी कहीं बाहर गई है, वहाँ से गाड़ी लेके दौड़ के नहीं आ जाए, मेरे हार्ट को इसने पकड़ा है यूँ करके। तो यहाँ पे तो कोई छेद भी नहीं है, फिर भी मैं इसको लॉक पिक से खोल सकता हूँ, अजीब बात है। ऊपर जाते हैं। अरे सिलेंड्रिना फिर से आ गई, बार बार आ जाती है सस्ती सिलेंड्रिना, हराम कर दिया इसने हमारा जीना। ये गेट खुलने की आवाज़ कहाँ से आई, मैं तो डर गया था। ग्रैनी क्या रियल लाइफ में आ गई क्या, समझ नहीं आ रहा मेरे को। ग्रैनी के कौवे के पास क्या चीज़ है आज, ग्रैनी के कौवे के पास ट्रेन का वो पड़ा है, क्या कहते हैं, मैं भूल गया उसको क्या कहते हैं। तो इसके लिए तो क्रोबार चाहिए पड़ता है। इसमें सबसे पहले तो हमको टेडी डाल दें सिलेंड्रिना का, ये वेपन की देते तो ठीक रहेगा। क्रोबार लेके आएंगे फिर, क्या दी इसने, सेफ की, सेफ की के अंदर वेपन की मिलेगी हमको। देखते हैं मिलती है या नहीं। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया। ये डोर तो हमेशा ओपन ही रहता है ना। हाँ यहाँ प्लेग हुआ अचानक से, इसको खोल देते सबसे पहले। तो इसके अंदर से शेड की निकली, चलो शेड के पास जाते हैं। ये डोर भी लो कि इसमें तो छेद है, इसलिए हम इसको खोल सकते हैं। खोल देते फटाफट। अब शेड के पास जाते हैं, इसके अंदर क्या है। मैंने बेसिक चीज़ें करने से पहले, ड्रॉवर्स खोलने से पहले ही शेड की निकाल ली। कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ, मतलब मैं ही हूँ। तो चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं, किचन को देख के ही जाते हैं, जा ही रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ वेपन की मिल चुकी है हमको गाइस। सबसे पहले हम शेड खोलेंगे। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो अंग बेचारा खाली किए थे ना, ऐसा है इनका घर। किचन में अनाज भी नहीं है इनके, इतनी बुरी बात है। चलो यहाँ जाते हैं, जनरेटर भी यहीं रहता है। फिर से कुछ बंद होने की आवाज़, मुझे बार बार डर लग रही है। चलो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पे है ट्रेन की, पर हमको डोर एस्केप करना है, इसलिए हम ट्रेन की का तो कोई काम ही नहीं है। फेंको इसको, फालतू काम की शेड खोली। अब वेपन की किचन में ही पड़ी थी, मैं कहाँ जा रहा हूँ बिना वेपन के लिए। ये ली वेपन की, इस दरवाजे को बंद करो, इसको भी बंद करो। ऊपर जाते हैं, वेपन लेके आते हैं। वेपन से भी हम नीचे वाला जो कांच था उसको फोड़ देंगे, तोड़ के मरोड़ देंगे। कहाँ है वेपन, स्लिंग शॉट मारेंगे हम ग्रैंडपा को पट्टे से, हेड शॉट। तो चलो इसमें भी कुछ नहीं है, हर बार की तरह। चलो हो गलाला वाला डांस करते हैं, हो गलाला हु हु झिंगा लाला हु हु। चलो हो गया बहुत डांस। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं।
अरे यार मैं बिना स्टोन लिए जा रहा हूँ। स्टोन तो ऐसे ही बाहर पड़े मिल जाते हैं। ये देखो गाइस, अरे इतना लेक क्यों हो रहा है? ओह माय गॉड, वहाँ पे मैंने एक स्टोन देखा था। एक स्टोन चाहिए हमको तो। यहाँ एक और पड़ा था। बिना वेपन के क्या पत्थर को फेंक के मार सकते हैं क्या हम ग्रेनी ग्रेंड पर को? दो बहुत है। फिर उन पॉट्स को भी गिराना पड़ेगा हमको जो हमने सिलेंड्रिना के कमरे से देखे थे। तो चलो नीचे जाते हैं। सिलेंड्रिना को भगाना जरूरी था क्योंकि वो बार बार हमको डरा रही थी और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सिलेंड्रिना। मुँह है उसका दोहरा है वैसे तो, पर दाढ़ी काली है ना, बस कालापन आ गया, वही मुझे पसंद नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ पे, क्रोबार है और ब्रिज क्रैंक के। सबसे पहले अब ब्रिज क्रैंक का तो हमको बहुत काम है क्योंकि ब्रिज क्रैंक से ही ब्रिज नीचे होता है, पर हमको भी जनरेटर तो ऑन करना पड़ेगा ना। जनरेटर केबल भी चाहिए पड़ेगी। कौवे के पास वो था इसलिए हमको मैचस्टिक की ज़रूरत ही नहीं है। और सिलेंडरना के कमरे में एक और वो रहता है। जनरेटर को सबसे पहले ऑन करना पड़ेगा हमको। यहाँ कुछ है क्या? यहाँ कोकोनेट, एक और कोकोनेट कहाँ से आ गया? अभी तो गाइस नहीं, हमने नहीं काटा था ना कोकोनेट को। हाँ यार कोकोनेट को सबसे पहले तो काटते, कुछ अच्छी चीज़ मिलता है तो क्या पता। कभी कभार वेपन की मिलती है, सेफ की भी मिलती है, अलग अलग प्रकार की चीज़ मिलती रहती है। क्या कर सकते हैं, मिलनी तो है ही। हमारी क्रिसमस जो आउटस्टैंडिंग लेवल है। तो ये क्या पड़े शेड के यहाँ कोकोनट फिट नहीं होगा क्या? हो गया, काटो इसको। पेडलॉक की का तो अभी हमको काम नहीं है, उसके लिए हमको पॉट्स गिराने पड़ेंगे। पेडलॉक की को फेंकते हैं और वापस क्रोबार लेके आना पड़ेगा। फालतू काम की मैंने वो किया, ब्लैक मैजिक के लिए काम आता है वो। तो लेने जाते हैं नीचे। अरे यार इतना नीचे बार बार जाना पड़ता है। स्लिंग शॉट क्रोबार कहाँ गया? क्रोबार और ऊपर पड़ा है, इसको ले जाते हैं सबसे पहले। तो क्रोबार यहाँ है ना? क्रोबार यहाँ भी नहीं है। क्रोबार है कहाँ? क्रोबार यहाँ है, इसको उठाते हैं और ऊपर जाते सिलेंडर ना के कमरे में। मेरे को 99.9% विश्वास है उस वाले में ही जनरेटर केबल मिलेगी हमको। तो ऊपर जाते हैं क्रो भैया के पास सबसे पहले। तो क्रो भैया के आसपास ही है सिलेंडरीना वाला छेद, मतलब सिलेंडरीना के कमरे वाला छेद। ये क्या? ये तो ट्रेन का एक्सीलेटर है। हम नीचे गिर गए। मैंने वहाँ एक देखा था ना जिसको अपन को यहाँ लगाना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, पट्टा। हमारे यहाँ तो उसको पट्टा ही कहते हैं। कॉइन का भी कोई काम नहीं है, वो लेके आना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले पट्टा लेके आते गाइस, नीचे जाते हैं। यहाँ पे नहीं था वो, वहाँ था पट्टा। तो पट्टा शायद से यही था, नहीं था तो किधर था पट्टा? मतलब हमको पट्टा मिला ही नहीं है, हम फालतू काम कर नीचे आए हैं गाइस। हमारी इतनी मेहनत असफल हो गई। इसको ऊपर लेके जाते हैं ब्रिज क्रेन को। नीचे आ ही गए हैं तो अब पट्टे को ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले हमको गाइस। हमने बाहर एक्सप्लोर ही नहीं किया है। एक बार यहाँ छत के ऊपर देख लेता हूँ, यहाँ कहीं पट्टा तो नहीं। फायरवुड वहाँ है, पट्टा नहीं है। एक कार की डिक्की में क्या भर के रखा है इन्होंने? कुछ भी नहीं। सबसे पहले इसको नीचे करना पड़ेगा मेरे को। बस अब हमको जनरेटर केबल चाहिए और फ्यूज़ चाहिए, फिर हमारा डोर एस्केप हो जाएगा।
दो जीजे ही चाहिए, बट वो दो जीजे मिलना बहुत मुश्किल है। हम चाहें तो अभी ट्रेन स्किप कर सकते हैं, हमारे पास ट्रेन की है, ट्रेन एक्सीलरेटर है, और वो जो एक चीज़ आती है ना जिससे ऑन करते हैं, तो उससे हम अभी ट्रेन स्किप कर सकते हैं, पर हमको करना है डोर स्किप, इसलिए नहीं। स्लिंग शॉट लेके दोनों पॉट्स को गिराते सबसे पहले तो इसको बंद कर देते हैं। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, रहने दिया। ऊपर जाते हैं गाइस, ऊपर जाते हैं, ऊपर आ गए हम। अब कोई भी नहीं है गम, पहला पोर्ट तो बोला, हमको परफेक्ट निशाना लगाना पड़ेगा गाइस। पहला पोर्ट तो गिर चुका है, दूसरा पोर्ट कहाँ है? गाइस वो पहला पोर्ट कहाँ गिरा था? ऊपर ही गिरा है क्या? वो पहला पोर्ट कहाँ गया? ये ला, अब दूसरे पोर्ट को ढूंढना पड़ेगा हमको। दूसरा पोर्ट कहाँ रहता है गाइस, आपको पता है तो फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, पर वैसे तो ये लाइव स्ट्रीम है नहीं, फिर आप कैसे बताओगे? कोई बात नहीं, सिलेंडर कमरे में जाके ही देख लेते हैं। गाइज आपको लाइव स्ट्रीम चाहिए मेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना हैशटैग लाइव स्ट्रीम, तो हम अगली बार पक्का लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो यहाँ तो नहीं दिख रहा मेरे को वो पॉट, कहाँ घूम गया? अरे बोला शूट, वो पॉट भी गिर चुका है गाइस। स्लिंग शॉट को फेंकते हैं, वो हमको स्लिंग शॉट का कोई काम नहीं है। ये पोर्ट आ गया हमारे पास, अब कोई नहीं है आस। अब फटाफट उसको खोल देते, और पैडलॉक की गाइस वहाँ नीचे यूज़ होती थी, तो वो भी किचन साइड ही पड़ी है, मैंने उसको फेंक दिया था। पैडलॉक की कोई है नहीं, पैडलॉक की सबसे पहले तो दोनों पॉट्स को रख देते हैं, फिर पैडलॉक की से वो भी अनलॉक कर लेंगे। गाइस अगर हमने इसको जैसे नीचे गिरा दिया तो इसका पानी डूल जाएगा और हमको वापस भरना पड़ेगा, इसलिए गलती से भी हमको ड्रॉप नहीं करना है इसको। तो जाते हैं नीचे फटाफट गाइस, आप लोगों को क्या लगता है ये कितने मिनट में हो जाएगा? चीटिंग मत करना शुरुआत में, शुरुआत में तो कैसे बताओगे, मतलब अभी बता देना कितने मिनट और लगेंगे मुझे कंप्लीट ऑन करने में ये गेम। तो फटाफट चीटिंग मत करना और कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो यहाँ पे ही पड़ा है वो पॉट भी, इसको उठा लेते हैं फटाफट, नीचे जाते हैं। ऐसे इतनी जल्दी नहीं है हमको, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। एक तो इसमें स्पीड रनर, इसमें तो मेरे को फ्लैश को भेजना था, 1 सेकंड पूरा घर से चान मारता मैं। अब भी नहीं ढूल रहा, तो नीचे गिरेंगे तो कैसे ढूलेगा? पानी तो दिख नहीं रहा मेरे को, फटाफट नीचे जाते हैं। वहाँ कहाँ जा रहा था? खुल चुका है गाइस दरवाजा, बस अब पेडलॉक की लाके इसका वो खोलना है हमको, ढाकना। ढाकना मीन्स ढक्कन, हमारी भाषा में इसको ढाकना बोलते हैं, मीन्स वागड़ी। ग्रैंडपा आते तो उनको स्लिंग शॉट से इतना बेहोश करता, और उनकी शॉट गन लेके फिर ग्रेनी को उड़ाता, बहुत मजा आता। तो सबसे पहले इसको खोलते, इसके अंदर क्या है? जनरेटर केबल, मज़ा आ गया। जनरेटर केबल से अब वो जनरेटर को ऑन कर देता हूँ, और फ्यूज़ गाइस अभी तक मेरे को नहीं मिला है, फ्यूज़ कहाँ हो सकता है? फ्यूज़ किधर मिल सकता है? मैंने पूरा घर छान मारा,
फ्यूज अभी तक नहीं मिला। हाँ गाइस एक जगह बाकी है फ्यूज के लिए, जो लग जाना लग गई फ्यूज के लिए। वो मेरे को चाहिए पट्टा, प्लैंक जो भी बोलते उसको, वो चाहिए। उससे क्या है, हम एक जगह जा सकते हैं जो सिलेंड्रीना के कमरे के सामने वाला कमरा था ना वहाँ पे। तो पट्टा मिल नहीं रहा मुझे, कहाँ हो सकता है वो पट्टा? वो शेड के पीछे तो नहीं है? बहुत बार शेड के पीछे रहता है, मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ। शेड के पीछे मिला तो मैंने सर कूट के मारना है इसने। कहाँ गया यार, शेड के पीछे भी नहीं है तो फिर कहाँ है? इन्होंने कहाँ छुपा के रखा है प्लैंक को? दिख ही नहीं रहा, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, किधर है प्लैंक को? ही कहीं उसी कमरे में तो नहीं छुपा के रखा? प्लैंक मिल ही नहीं रहा यार इसके अंदर तो नहीं, प्लैंक इसके अंदर भी नहीं है तो कहाँ है? मिल क्यों नहीं रहा? एक गेट अभी तक खोलना बाकी है। ये प्लैंक मिल जाए तो सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। मैं कहाँ अटक गया? ये प्लैंक मिल ही नहीं रहा यार गाइस। किधर छुपा के रखा है इन लोगों ने यार? शिट मैन, और 99.9% वही है फ्यूज, हम कैसे जाएंगे वहाँ तक? एक्सीलेटर को फेंक के मारता हूँ, ये ले। कैसे मिलेगा हमको प्लैंक? हो गया ये तो हमारे साथ फ्रैंक। क्रोबार का क्या काम है? क्रोबार तो रख नहीं सकता मैं वहाँ पे। कहाँ मिल सकते हैं यार वो प्लैंक? मिल ही नहीं रहा है, घर की छत पे भी नहीं है, आइडो साइडों में भी नहीं है, तो कहाँ है? कहीं ट्रेन वाली साइड तो नहीं है यार? नीचे मैंने सही से चेकआउट करा तो था, पर एक और बार चेकआउट कर लेते हैं। अरे ये जंबूरा बार बार आ जाता है। माय गॉड, मैंने यही प्लैंक फेंका था और मैं कब से ढूंढ रहा हूँ इसको, मैंने ही फेंका था इसको। गाइस हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, अब हम ऊपर जाके इस प्लैंक को लगाते हैं, फ्यूज को निकालते हैं और फिर हम एस्केप करते हैं। ऊपर चलते हैं फटाफट। ओह माय गॉड, कब से मैं इसको ढूंढ रहा था। देखो गाइस मेरे को पता था यही है फ्यूज, और तो कोई जगह ही नहीं बची थी इसके अलावा। फटाफट इस फ्यूज को यहाँ फिट कर देते हैं और गेट को ओपन कर देते हैं। अब हम निकलते हैं यहाँ से तो फटाफट नीचे जाके निकल जाते हैं। वो देखो गाइस सामने गेट ओपन हो चुका है, इसी स्टोन को भी लेके जाते हैं। अरे नहीं उठा पाया मैं, स्टोन को भी बाहर लेके जाते हैं ग्रैनी के घर से, कुछ तो ले जाना चाहिए हम तो। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस, तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो बाय।